हेलो गाइस, दिस साइड में जोसेफ चौहान, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैक फ्लिप की, जो कि बहुत से लोग बैक फ्लिप अटेम्प्ट करते हैं इधर साइड उधर साइड, और आपने रील्स में बहुत जगह देखा होगा। तो गाइस, आज बैक फ्लिप में मतलब बोले तो बैक फ्लिप कैसे सीखे और किस टाइप में करते और कैसे पलटते बंदे लोग बैक फ्लिप में, तो वही इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आपको भी अगर सीखना है बैक फ्लिप तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और बैक फ्लिप में बहुत से बंदे लोग हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी बैक फ्लिप नहीं कर पाते, पर मैं आज ये वीडियो में आपको कम से कम इजी टेक्निक में और ज़्यादा मेहनत न किए बिना आपको बैक फ्लिप सिखाऊंगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, बस थोड़ी बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा। थोड़ी बहुत मेहनत अगर नहीं करूँगा तो बैक फ्लिप नहीं सीख पाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको आ जाना अपने गार्डन या रेती वाली जगह पे, जहाँ पे आपको लगे ना बॉडी को कोई लगे ना, नहीं तो आप इंजर हो गए तो फिर तो बैक फ्लिप भूल ही जाओ, ठीक है। इसलिए आपको सेफ जगह पे जाना है सबसे पहले। तो और सेफ जगह पे जाने के बाद सबसे पहले आपको हल्का सा वार्म अप करना है, बोले तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। सो गाइज, आते हैं हम हमारी बैक फ्लिप की ओर, जो कि बैक फ्लिप की जो फर्स्ट स्टेप आती है वो है बैक फ्लिप की जो फर्स्ट स्टेप है, आपने देखी कि जो फर्स्ट स्टेप है दोनों हाथ आगे करके और हाथों को पीछे लेके जाना है और घुटने को जो है बेंड करना है, वो है फर्स्ट पोजीशन। क्योंकि वो पोजीशन अगर आपकी क्लियर रहेंगी तो ही आपकी जंप जाएंगी उसमें, अगर वो पोजीशन क्लियर नहीं रहेंगे तो आपका बैक फ्लिप क्लियर हाइट भी नहीं उठेगा, ठीक है। सो गाइस, बढ़ते हैं हम हमारे अगले स्टेप की ओर। अगले स्टेप में अभी हमको बस जंप लेना है, वही स्टेप के साथ में आपको जंप लेना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में मैं देखा कि आपने, जैसे कि मैंने जंप लिया, पहले जो चेयर पोजीशन किया, चेयर पोजीशन के बाद जो मैंने जंप लिया वो जंप भी आपको ट्राई करना है। कम से कम आपको दिन में वो 20 बार जंप ट्राई करना पड़ेगा, तो इसकी आदत लगेंगी आपको और आदत लगेंगी फिर आप बैक फ्लिप ट्राई कर सकते हो। तो आते हैं हम हमारे थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में जो जंप लिया मैंने वो जंप में आपको थोड़ा पैरों को पकड़ना है, बोलते तो उसको टक बोलते हैं हमारे जो फ्लिपिंग ये है कम्युनिटी में, उसको टक बोलते हैं। तो आपको टक करना पड़ेगा, जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। थर्ड स्टेप में जैसे कि मैंने किया जंप लेके टक किया, वो आपको वो भी उसके साथ में प्रैक्टिस करना है, जो सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, तीनों स्टेप की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो गाइस, आते हैं हम हमारे फोर्थ स्टेप की और फोर्थ स्टेप में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपने बचपन में आगे वाली कुलंडी और पीछे वाली कुलंडी तो की होंगी, बेड ऊपर या कभी गद्दे के ऊपर तो की होंगी, तो वही आपको अभी इसमें भी ट्राई करना है, जो कि हमारे फ्लिपिंग में और जिमनास्टिक्स में बोलते हैं उसको बैक रोल। तो आप लोग देखो मैं बैक रोल करके बताता हूँ, इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। सो गाइस, जो मैंने अभी बैक रोल किया ये भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बैक रोल आएगा तो ही बैक फ्लिप आएंगी, ठीक है। सो गाइस, अभी आते हैं हमारे फिफ्थ स्टेप की और फिफ्थ स्टेप बोले तो हमारा फाइनल पोजीशन होता है। तो आपको क्या करना है, आपका कोई भी अगर फ्रेंड हो जो कि आपके साथ में प्रैक्टिस वगैरह करता है या नहीं भी प्रैक्टिस करता है फिर भी आप ले सकते हैं, बस उसको आपको बोलना है कि भाई मुझे बस सपोर्ट दे। तो मेरे पास एक बंदा है, मेरा ही फ्रेंड है, वो मुझे सपोर्ट देंगे और मैं आपको करके दिखाऊंगा। जो मैं फिफ्थ स्टेप में जो पहली स्टेप कर रहा हूँ आप पहले ध्यान से देखना है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, ये चारों स्टेप को मिक्स करके आपको अच्छे से सपोर्ट के साथ में ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वो रेती पे या गद्दे पे ट्राई करो, ठीक है, गार्डन में एकदम से ट्राई नहीं करना है। तो गाइस, पहले आपको नॉर्मल सपोर्ट लेना है ताकि आपका डर निकल जाए, उसके बाद आपको लेना है फुल सपोर्ट, ठीक है। आप दोनों साइड में भी बंदे खड़े कर सकते हो, एक साइड में इधर और एक साइड में इधर, और आप बीच में खड़े होकर बैकिंग मार सकते हो। तो मेरा क्लियर है तो मैंने एक साइड में खड़ा किया, पर आपका अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है तो आप दोनों साइड में बंदे खड़े कर सकते हो। इसलिए मैं अभी और एक बार बंदा खड़ा करूंगा सिंगल साइड में और अटेम्प्ट करूंगा बैक, तो आपको देखना है कैसा सपोर्ट देना है, बंदा कैसा सपोर्ट देगा मुझे, तो देखते हैं। सो गाइस, जो अभी मैंने सपोर्ट लिया सेम आपको भी वैसा ही सपोर्ट लेना पड़ेगा अगर बैक फ्लिप सीखना है तो, ठीक है। और सपोर्ट मिनिमम आपको 10 बार लिए, एक बार आपकी बॉडी को अगर रोटेशन मिल जाता है कंटिन्यूसली तो आपकी बॉडी एकदम से घूम जाएंगे, ठीक है। तो आप कम से कम एक दिन में 10 बार सपोर्ट लो और मजाक नहीं, एक हफ्ते के अंदर बैक फ्लिप पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये जो मैंने टेक्निक बताया वो इजी टेक्निक है, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है आपको, आना है वार्म अप करना है और नॉर्मली अपनी प्रैक्टिस, जो मैंने टिप बताया वो कम से कम 10-10 बार ट्राई करना है, और लास्ट में आपको बैक फ्लिप अटेम्प्ट करना है अपने फ्रेंड के सपोर्ट से, ठीक है। तो फाइनली हमारी जो बैक फ्लिप है वो ऐसे दिखाई देंगी।
आई होप गाइज आप लोग ये वीडियो से कुछ सीख पाए हो, बैकफ्लिप वगैरह, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, आप लोग अपने अगर आपके दोस्तों को अगर शेयर करना चाहते हो तो प्लीज ये वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।